नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं एक ऐसे मुद्दे का जो देश भर में चर्चा का विषय रहता है और आपने कई बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये मीम्स आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सीता के देश में पेट्रोल सस्ता है, रावण के देश में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन राम के देश में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। और साथ ही साथ अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगेगा, जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की अफवाह सामने आने लगी। ये भी अफवाह चल रही है कि पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपए लीटर के आसपास चले जाएंगे या पार कर जाएंगे। ऐसे में आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर भारत में पेट्रोल महंगा क्यों है और भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों में इतना सस्ता क्यों है। इसका सही जवाब आज हम आपको बता रहे हैं। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को एक ट्वीट किया है और कहा है कि किस तरह भारत में पेट्रोल के दाम दो पड़ोसी देशों नेपाल और श्रीलंका से काफी ज्यादा है। इसमें गौरतलब यह है कि नेपाल में जो तेल जाता है उसकी आपूर्ति पूरी तरह भारत से ही की जाती है, तब भी वहां तेल हमारे यहां से सस्ता कैसे है। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि एक नेपाली रुपया 62 पैसे के बराबर होता है, यानी नेपाल का 100 रुपया भारत के करीब 62 रुपए के बराबर होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि राम के भारत में पेट्रोल 92 रुपए तो सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण के श्रीलंका में 51 रुपए है। श्रीलंका का 100 रुपए भारत के 38 रुपए के बराबर होता है। नेपाल की सीमाएं तीन ओर से भारत को छूती हैं, जबकि उत्तरी सीमा से चीन लगा हुआ है। इस पड़ोसी देश में तेल और तेल उत्पादों को सारी आपूर्ति भारत के जरिए होती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल रिफाइन करके नेपाल भेजता है। भारत से करीब 1800 तेल टैंकर रोज तेल लेकर सड़क के रास्ते नेपाल जाते हैं। साथ ही 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेख गंज पाइपलाइन के जरिए अब भारत से तेल नेपाल के परसा के अमलेख गंज डिपो को भेजा जा रहा है। इस पाइपलाइन को IOC द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसका उद्घाटन सितंबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेपाल तेल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 19 जनवरी को बीरगंज में तेल की दाम 108.50 नेपाली रुपया यानी करीब 67 रुपए भारतीय रुपये के बराबर है। वहीं नेपाल की एक दूसरे सीमावर्ती जिले रक्सौल में तेल की दाम 140.76 नेपाली रुपया यानी भारतीय रुपये के हिसाब से 88.15 रुपए के बराबर है। तेल के दाम बताने वाली आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 3 फरवरी को भारत के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के दाम 87 रुपए से लेकर 92 रुपए तक है। जयपुर और मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है, यानी 92 रुपए से कुछ ऊपर है। यह जाहिर है कि जो तेल भारत से नेपाल जाता है वो भारत की तुलना में ज्यादा सस्ता है, और अगर नेपाल के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो वहां ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल भारतीय रुपये के अनुसार सिर्फ 67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसा कैसे नेपाल ऐसा कैसे कर पा रहा है कि वो भारत से ही तेल खरीदता है और उससे भारत की तुलना में अपने यहां ज्यादा सस्ता बेचता है। इसके लिए चलते हैं नेपाल से बड़े पैमाने पर तेल भारत में स्मगलिंग होने की भी खबर आती है। नेपाल की सीमा पर बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप खुल गए हैं जो सस्ते में तेल बेचने का दावा करते हैं और भारत से बड़े पैमाने पर लोग वहां से तेल लेने पहुंचते हैं। भारत में पेट्रोल और तेल के दामों में केंद्र सरकार का एक्साइज और राज्य सरकारों का सेल्स टैक्स अगर काफी ज्यादा है तो इस पर भी सेस भी वसूला जाता है। मोटे तौर पर हम जिस तेल का मूल्य 84 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं उसकी मूल कीमत यानी जो सच्चाई जिस कीमत की है वो है 26 से 27 रुपए प्रति लीटर है। बाकी पैसा टैक्स, ड्यूटी और डीलरों के कमीशन का होता है। वहीं नेपाल में तेल पर टैक्स तो वसूला जाता है लेकिन वो भारत की तुलना में काफी कम है। पिछले साल वहां पेट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के नाम पर 5 रुपए प्रति लीटर चार्ज लगाया गया तो पूरे देश में इसका रोष फैल गया। फिलहाल नेपाल में पेट्रोल के प्रति लीटर में जो टैक्स वसूले जाते हैं वो 40 रुपए के आसपास है।
इसमें प्रदूषण नियंत्रण, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टैक्स हैं। यहां तेल के दामों का निर्धारण महीने में एक बार नेपाली ऑयल कॉर्पोरेशन के जरिए किया जाता है। पाकिस्तान में हाल ही में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का एक रुपया भारत का 46 पैसे के आसपास होता है, यानी पाकिस्तान के 100 रुपए भारत के 46 रुपए के बराबर होते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 111.90 पैसे पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जो भारतीय 50.99 रुपए प्रति लीटर हुए। तो डीजल की कीमत वहां 116 पाकिस्तानी रुपया है, जो सिर्फ 52.81 रुपए भारतीय रुपया होगा, जबकि कैरोसिन 80.19 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। श्रीलंका में पेट्रोल के दाम फिलहाल 161 श्रीलंकाई रुपया प्रति लीटर है, यानी भारतीय मुद्रा के अनुसार 61 रुपए। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम 89 रुपए प्रति लीटर है, भारतीय मुद्रा के अनुसार वो 76 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है बांग्लादेश। भूटान में तेल के दाम शायद भारत के पड़ोसी देशों में सबसे सस्ते हैं। यहां पेट्रोल 49 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 46 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। भूटान भी पूरी तरह भारत से ही तेल मंगाता है, उससे ये तेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भेजा जाता है, लेकिन भूटान में तेल पर टैक्स बहुत कम लगता है। साथ ही वहां वाहनों की सीमा तय है ताकि प्रदूषण पर काबू रखा जा सके। यहां आपको बता दें कि भारत और भूटान की करेंसी की कीमत बिल्कुल बराबर होती है, फिर भी भूटान में भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता तेल बेचा जाता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, तेल आपके देश में भी सस्ता है, यानी अगर मूल रूप जो पैसा होगा वो सिर्फ 26 से 27 रुपए होगा, लेकिन केंद्र सरकार के अलग टैक्स होते हैं, फिर से जो पेट्रोलियम बेचते हैं उन ठेकेदारों के अलग कीमत होते हैं, इसके अलावा राज्य सरकारें भारी भरकम टैक्स वसूलती है। तो अब ये वो पूरे मामले हैं जिससे भारत में 100 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम महंगे होते जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि भारत में टैक्स अगर कम कर दिया जाए तो पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, तो इसको लेकर के आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको देश और दुनिया की ऐसी हर खबर सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।